अंकित की इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी सर्जरी का आधे से ज्यादा क्लेम देने से इनकार कर दिया। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर होने के बावजूद अंकित को करीब 1 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़े। दरअसल अंकित के हॉस्पिटल कमरे के किराए ने क्लेम के गणित को बिगाड़ दिया। अंकित के इंश्योरेंस के मुताबिक 5 लाख रुपए का अगर पॉलिसी का कवर है तो पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड के 1% तक का हॉस्पिटल कमरा लेने की अनुमति है। यानी अंकित 5000 रुपए तक रेंट वाले कमरे में इलाज करवा सकते थे। अंकित ने 8000 रुपए का रूम ये सोचते हुए चुना कि 5000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी और वो अतिरिक्त 3000 रुपए का किराया चुका देंगे। यही हुई अंकित से गलती। हॉस्पिटल के रूम के किराए के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी बाकी खर्चों का मूल्य तय करती है, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। डॉक्टर के विजिटिंग चार्ज से लेकर सर्जरी का खर्च सब कुछ रूम के हिसाब से तय होता है। अगर आप बीमा के मुताबिक दी गई रूम रेंट वाला कमरा नहीं लेते तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का फॉर्मूला तय करेगा कि बीमा कंपनी कितना क्लेम देगी। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन को ऐसे निकाला जाता है, पॉलिसी के मुताबिक जो तय रूम रेंट है उससे आप भाग देंगे रूम रेंट जो आपने चुकाया है और उसे आप गुणा करेंगे 100 से। अंकित के मामले में इंश्योरेंस के मुताबिक 5 दिन के हॉस्पिटल एडमिशन के लिए 25,000 रुपए उनको मिलते, जिसे हम भाग कर रहे हैं अब 40,000 से, जो कि वो एक्चुअल पेमेंट है जो अंकित ने किया, और इसे गुणा कीजिए 100 से। सो 62.5% ये है प्रोपोर्शनल डिडक्शन। हर खर्चे का 62.5% ही कंपनी देगी। 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अंकित ने 8,000 रुपए पर दिन के हिसाब से रूम का खर्चा दिया, 40,000 रुपए, लेकिन पॉलिसी केवल 25,000 रुपए के खर्चे की अनुमति देती है। सर्जरी की कॉस्ट हुई 1,75,000 रुपए, लेकिन प्रोपोर्शनल डिडक्शन के आधार पर 62.5% यानी 1,09,375 रुपए। रूम के आधार पर डॉक्टर विजिट के लिए अदा किया 30,000 रुपए, लेकिन मिलेंगे 18,750 रुपए। लैब टेस्ट पर खर्च हुए 30,000, लेकिन क्लेम ले पाएंगे केवल 18,750 रुपए का। दवाइयों पर हुआ करीब 25,000 का खर्चा पूरा मिलता है, क्योंकि ये MRP पर मिलता है। तो कुल खर्चा हुआ 3 लाख रुपए का और प्रोपोर्शनल डिडक्शन के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के फुल खर्चे का केवल 1,96,875 रुपए ही चुकाएगी और बाकी बचे 1,03,125 रुपए अंकित को देने पड़ेंगे। प्लम इंश्योरेंस के कोफाउंडर और CEO अभिषेक पोद्दार कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त केवल सम इंश्योर्ड और प्रीमियम को देखकर इंश्योरेंस ना खरीदें। आप जिस शहर में रहते हैं और बीमार पड़ने पर जिस तरह के अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं, उसी के अनुसार अपना इंश्योरेंस चुनें। बड़े शहर के टियर 1 अस्पताल यानी बड़े निजी अस्पताल में रूम की कीमत 6,000 से 10,000 की हो सकती है। वहीं छोटे अस्पताल में रूम रेंट 2,000 से 5,000 रुपए के बीच रहेगा। सम इंश्योर्ड का 1-2% तक ही रूम रेंट मिलता है, इसलिए सम इंश्योर्ड का साइज ध्यान से चुनें। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त केवल सम इंश्योर्ड की राशि ही नहीं देखते रहिए, बल्कि रूम रेंट कैपिंग को ठीक से समझिए, क्योंकि इसमें आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे। आमतौर पर रूम रेंट कवरेज 4 प्रकार के होते हैं। इनमें आप बिना सब लिमिट के रूम रेंट का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड रूम रेंट लेने की सुविधा मिलेगी, लेकिन प्रीमियम ज्यादा देना होगा। इसी तरह को पेमेंट के साथ भी रूम रेंट को चुना जा सकता है, जिसमें रूम रेंट का कुछ हिस्सा पॉलिसी धारक देगा और कुछ हिस्सा कंपनी देगी, इसलिए को पेमेंट इसे कहा जाता है। और खास तरह के रूम अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप रेंट कवर या फिर एक एड ऑन कवर जोड़ सकते हैं, जो कि आपकी सब लिमिट को बढ़ा देगी और यहाँ आप फिर कोई भी रूम ले सकते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप कोई चीज ऐड करेंगे उससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। Money9 की सलाह। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद लगता है कि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आएगी तो सारे खर्चे कवर हो जाएंगे, लेकिन सावधान रहें। अगर सम इंश्योर के मुताबिक हॉस्पिटल कमरा नहीं लेंगे तो केवल रूम ही महंगा नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके सारे खर्चे भी रूम के कीमत के मुताबिक जोड़े जाएंगे।